सोएगा इजॉल दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस बिकॉज जब से मैंने वो वीडियो डाली है कई स्टूडेंट के मैसेज आए रिगार्डिंग द फ्रॉड दे हैव फेस्ड बिकॉज ऑफ द कोचिंग अकेडमीज और हाँ ध्यान से सुनना ऐसे ही स्टूडेंट का आया मैसेज रिगार्डिंग द डिफिकल्टीज एंड द फ्रॉड और स्कैम दैट फेस्ड बा द स्टूडेंट फ्राम द कोचिंग अकेडमीज़ तो ध्यान सुनना इच एन एवरीथिंग हुआ ये कि मैंने कल वीडियो डाली थी जो मेरे साथ होता था एक्जीक्यूटिव में और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे डी एम करें और बताएँ ताकि आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके जूनियर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो वो अवेयर हो जाए इज देट क्लियर तो इसी के रिगार्डिंग कई स्टूडेंट के मैसेज आएँ और गाइज ध्यान सुनना इच एन एवरीथिंग बताने वालों पूरा क्या प्रॉब्लम आती है क्यों स्टूडेंट परेशान रहते हैं और सब्सक्राइब कर दो चैनल को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो अब ध्यान से सुनना इच एन एवरीथिंग देखो स्टार्ट होती है जब आप ई e क्लियर करके आते हैं एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो पहली प्रॉब्लम ये रहती है जो आप ई टी जिससे परचेज़ किए होते हैं ना आप एग्जीक्यूटिव उनसे परचेज करने की सोचते हैं एंड कई बार ये डिस्टेंस सही साबित नहीं होता तो ऐसे ही स्टूडेंट का शिकार होते हैं तो वो क्या करते हैं यूट्यूब से लेक्चर देखते हैं उनको अच्छा लगता है परचेज कर लेते हैं लेकिन आप लोगों को बात जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि देर इज अ डिफरेंस इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सी एस एंड द सी एस एग्जीक्यूटिव सी एस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस इतना वास्ट है और जैसे ई टी क्लियर होता है आपको पता है कि उससे कुछ टाइम बाद ही एग्जाम होने वाले होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के तो वो लोग बताते भी नहीं हो कहते हैं हम सिलेबस कम्पलीट करा देंगे तीन चार महीने में तो ऐसे ही स्टूडेंट के साथ हुआ उनका ऐसा कहना था कि भाई जब फीस की बात आती है तो फीस वो मांगते हैं फौरन हम पे कर देते हैं और मेरे एक जिसने मुझे बताया उसके केस में ऐसा हुआ भाई उसने फुल पे नहीं करी थी फीस उसने इंस्टॉलमेंट करी थी आई थिंक मोर देन हाफ करी थी सेवेंटी परसेंट करीब उसने पेमेंट एंड जब उसने कहा भाई जब मेरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो उन्होंने उसने कहा सर एक दो दिन रुक जाओ मैं कर दूंगा तो उन्होंने पता ऑफिस वाले उन्होंने ये बोला कि अगर आप पेमेंट करते हो तो ठीक है अदरवाइज जो आपकी क्लासेस हैं जो आपके लेक्चर्स मिल रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा ठीक है आपका जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आपको क्लासेस नहीं नहीं मिलेंगी रोक दी जाएंगी आपकी क्लासेस तो पहली प्रॉब्लम यह आएगी उसके बाद ये भाई कहता है कि भाई मैंने किसी न किसी तरीके से अपना पेमेंट कर दिया लेके दोस्तों जैसे भी आप समझ सकते हैं मिडिल क्लास स्टूडेंट है तो कैसे कर सकते हैं फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट तो कर दिया पेमेंट कहता है उसके बाद इनका कहना यह था कि एग्जाम से एक महीने पहले सिलेबस कम्पलीट करा देंगे और एक महीने पहले इस स्टूडेंट के हिसाब हुआ ठीक एक महीने पहले करा देंगे क्योंकि मेरे हिसाब से जो कि एक्सपीरियंस स्टूडेंट है भाई कम से कम दो या ढाई महीने तो चाहिए होते हैं ना एटलीस्ट ढाई महीने चाहिए होतेजन करने के लिए जो पहली बार एग्जीक्यूटिव में आ रहा है चलो इनके केस की बात करते हैं तो एक महीने पहले इनका कहना था टीचर्स का कि वो कंप्लीट करा देंगे लेकिन हुआ है जब एक महीना वो ड्यू डेट आ गई ना सपोज सेट बीस दिसंबर को एग्जाम है बीस नंबर की डेट आ गई तो सिलेबस कंप्लीट करा ही नहीं पाए अब जब करा ही नहीं पाया तो उनको सिलेबस कंप्लीट कराना तो कहता है भाई पहले वो ऐसे ही पढ़ा रहे थे लेकिन जब आया ना भाई उनकी स्पीड डबल ट्रिपल हो गई वो घर से ले लेकर अठौड़ो घंटे के लेक्चर्स ले रहे हैं वो लोग नौ घंटे के लेक्चर्स ले रहे हैं और एग्जाम के सिर्फ हमारा एक महीने बचा है उनका सिलेबस कम्प्लीट नहीं है उनका कहना ये था भाई बीस तक तक करा देंगे जब सिलेबस स्लो चल रहा था तो कहता है भाई मैंने अपने टीचर से कहा कि ये कैसे कम्प्लीट होगा सर सिलेबस इतना स्लो चल रहा है तो कहते हैं भाई टीचर तुम हो कि मैं हूँ मैं करा दूंगा कंप्लीट जैसे भी कराना है हमारी अकेडमी में बहुतों तो को पढ़ाया आपको कोई पढ़ा देंगे टेंशन मत लो भाई स्टूडेंट है जब टीचर को ऐसे बोलेगा तो मान लेंगे ठीक है भाई कह रहे हैं करा देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ जब वो ड्यू डेट आ गई नहीं हुआ तो उन टीचर्स ने पता क्या करा उन्होंने बैक टू बैक डेली लेक्चर्स लिए आई थिंक संडे को भी लेक्चर्स लिए और नौ नौ दो दस घंटे के लेक्चर लिए और वो क्रक्स आपको पता जब आप फुल स्पीड से लेक्चर कराते हैं जैसे मैराथ वगैरह में होता है पूरा डिटेल में कवर नहीं करा सकते है ना बैक टू बैक जब लेक्चर्स लेते हैं पूरे डेली लेक्चर्स लेते हैं तो क्या रिविजन क्या वो कुछ पता ही नहीं रहता मेरे साथ मेरे साथ हो चुका है जब बैक टू बैक लेक्चर्स कराते हो डेली लेक्चर लेते हैं नौ नौ दो दस घंटे के तो क्या होता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो पूरा जो प्रोविजन होता है ना डिटेल में वो रह जाता है वो कहता भाई वो बस व्रेक्स क्रक्स कराते थे ना कभी नोट्स दिए पढ़ने के लिए ना कुछ किया और बस ये था कि भाई कराया जा रहे हैं कराया जा रहे हैं कराया जा रहे हैं हमे, हा, हमें हाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता हम रिविजन हैं कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे नोट्स बन रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बस ये था भाई सिलेबस कंप्लीट कराना है क्योंकि जो ड्यूटी डि डिथ्यू निकल चुकी है अब बस विद इन वन वीक और टेन डेज कंप्लीट कराना है क्योंकि भाई अगले महीने एग्ज़ाम है फिर कुछ दिन बाद तो कहता है भाई वो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराते थे क्रैक्स क्रक्स लिखवाते थे और पता नहीं क्या चलता था कुछ समझ में नहीं आता था तो कहता भाई कुछ सब्जेक्टों ऐसे आज तक मुझे पता नहीं चला कि उनसे क्या चल रहा था तो जब ऐसा कुछ होता है ना तो कुछ पता ही नहीं चलता स्टूडेंट को क्या चल रहा होता है मैं भी फेस कर चुका हूँ कि भाई जब आप ऐसा होता है ना आपको यही नहीं पता होता भाई कि कौन सा सिलेबस चल रहा है कौन सा लेक्चर चल रहा है कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा पार्ट चल रहा है कि कौन सा वेटेज कितना है कुछ पता ही नहीं है बस कंटिन्यू से चले जा रहा है तो ये भरी प्रॉब्लम है यार जो काफी होती है कि सिलेबस टाइम पे कम्प्लीट नहीं हो पाता वो कहते हैं अगर आपका ईटी क्लियर हुआ तो वो कहते हैं भाई तीन महीने वैसे हम तीन महीने सिलेबस कम्प्लीट करा देंगे आपका और जो कि भी भी हो नहीं पाता तो बाद में बच्चे परेशान होता है सबसे क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता आप लोग क्या होती है जब एग्जाम में बिना तैयारी के साथ जाते हो ना तैयारी मतलब क्या बिना सिलेबस कम्प्लीट जाते हो हंड्रेड परसेंट सत्तर परसेंट साठ परसेंट सिलेबस करके जा रहे हो तो ये सबसे बड़ी जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका वैसे ही डाउन हो जाता है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है जो भी प्लेयर्स ऐसा करते हैं वो ऐसा ना करें और जो स्टूडेंट्स हैं देखो मैं बोलूंगा जिम्मेदारी हमारी है हम स्टूडेंट्स हैं हमें इस बात पर बिल्कुल कंठा सहना पड़ेगा कि जो भी हम एकेडमी में जा रहे हैं किसी भी टीचर के पास जा रहे हैं तो उसका पूरा एनालिसिस करें कि भाई कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है और कब तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और किस क्या बात की गारंटी है भाई आप सिलेबस कंप्लीट कर देंगे टाइम पे सो तो गाइज आप लोग भी अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे होगा भी तो कमेंट सेक्शन में मत बताना किसी भी अकेडमी का नाम अगर नहीं बताना चाहते आप तो लेकिन हाँ मुझे डीएम करके जरूर बता देना आप ताकि हम आगे डिस्कस कर सकें अवेयर कर सकें आगे जूनियर्स को अपने जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं ईटी क्लियर करके एग्जीक्यूटिव में प्रोफेशनल में तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने व्हाट्सएप की टेलीग्राम की इंस्टाग्राम की आप प्लीज जीएम कर देना और हाँ आपकी जो इंफॉर्मेशन है आपकी जो जो भी सब कॉन्फिशन रहेगा आपका ठीक है डोंट वरी बस ये है कि ये वीडियोज जो है सीरीज चला रहा हूँ बस उनके लिए बाकी आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम ना है जो एग्जीक्यूटिव की जर्नी में आगे आने वाले हैं ठीक है सो गाइज यू लाइक वीडियो बनेब यू ने वेज शेर एन यू कैन यस जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में शेयर करो जो एग्जीक्यूटिव में आने वाले हैं या प्रोफेशनल में आने वाले हैं जो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहते हैं ठीक है शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं में द एग्जाम